इधर देखो, साबित करे कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो मान लो ये ABCD एक आयत है, इसका एरिया निकालना है। एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया ABCD बराबर वाट, यानी क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो इसको दो भाग में बांट दो। ए को या तो सी से मिला दो या डी को बी से मिला दो। मान लो ए को सी से मिलाएंगे, ए को सी से मिला दिए, आयत का तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है ना, ये दोनों कोण भी 90 डिग्री होगा। तो बोलो ए को सी से मिला देने के बाद आयत दो समकोण त्रिभुज में बटा। पहला समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, दूसरा समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, हुआ ना। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो एरिया ABCD बराबर एरिया पूरे आयत का क्षेत्रफल बराबर दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर जोड़ दे तो पूरे आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्षेत्रफल का मतलब जगह, त्रिभुज ABC इसमें जो ये जगह है और त्रिभुज ABC का जो ये जगह है, दोनों जगह को जोड़ देंगे तो पूरे आयत का जगह अर्थात क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। बोलो हाँ। एरिया ABCD पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष, तीसरा चौथा, चार शीर्ष तो चतुर्भुज में होता है ना। अगर शीर्ष लिखा रहे एरिया ABC तो इसका मतलब तीन शीर्ष त्रिभुज में, तो ये हुआ एरिया ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल। और एरिया चार शीर्ष है तो ये एरिया चार शीर्ष है तो सीधे बोलो चतुर्भुज, यानी एरिया चतुर्भुज ABCD का। समझ गया निस्तार। एरिया ABCD बराबर एरिया ABC, एरिया ABC जोड़ एरिया ABC होगा इतना, समझे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल एरिया ABC बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होगा। मान लो ये DC x मीटर है, तो आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना, और समानांतर होती है, तो BC बराबर AB होगा। अगर BC x मीटर है तो AB भी x मीटर होगा, और AB मान ले y, तो BC भी आमने सामने की भुजा आयत में बराबर होती है, तो ये y होगा। समझा इसको। एरिया ABC ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार, ABC का आधार मान लो DC, तो DC अगर DC को आधार मानेंगे तो उसके सामने वाले शीर्ष से खींचा गया लंबाई, तो ये ऊंचाई अपने आप हो गया AD होगा दिए, तो AD तो हो गया इसका प्लस 1/2 त्रिभुज ABC का एरिया निकाल रहे। ABC का मान लो इसको आधार माने या इसको, कोई अंतर नहीं पड़ता है, मान लो BC को आधार माने, तो BC के सामने वाले इस शीर्ष से खींचा गया ये लंब है, 90 डिग्री है तो लंब ही है, और लंब ही ऊंचाई होगा, होगा ना। 1/2 गुने आधार BC के लिए ये
ए बी ऊंचाई हो गया ए बी, संघर्ष को बराबर एक बटा दू, डी सी कितना है, डी सी एक्स है, ए डी ए डी वाई जोड़ एक बटा दू गुने बी सी, बी सी देखो वाई है, ए डी एक्स कितना हुआ, इसीलिए एरिया ए बी सी डी बराबर एक गुने एक्स गुने वाई, एक्स वाई बटा दू बगाना जोड़ एक गुने वाई गुने एक्स यानी एक्स वाई बटा दू, एक्स वाई बटा दू लग समेंगे एक्स वाई जोड़ एक्स वाई एक्स वाई जोड़ एक्स वाई टू एक्स वाई बटा टू टू कट गया बराबर एक्स वाई, इसलिए एरिया ए बी सी डी बराबर एक्स, एक्स क्या है लंबाई है और ये चौड़ाई है वाई, एक्स का मान रख दो ये तो लंबाई है और सी डी सॉरी सी डी कहते हैं ये ए डी वाई, वाई तो हो गया तुमको चौड़ाई तो लंबाई तुमने चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल कैसे लंबाई तुमने चौड़ाई होता है समझा इसको, उतारोगे उतारो। अब नेक्स्ट टॉपिक आयत की परिमिति, आयत की परिमिति किसी भी क्षेत्र की परिमिति उस क्षेत्र के सभी भुजाओं के योग को कहते हैं, तो आयत की परिमिति आयत में कितनी भुजा, चार भुजा, तो आयत की परिमिति का अर्थ आयत की परिमिति बराबर आयत के चारों भुजाओं का योग होगा। मान लो ए बी सी डी कोई आयत है, तो ए बी सी डी आयत में ये कम लंबा चौड़ाई कहलाता है, अधिक लंबा लंबाई कहलाता है, ये तुम लोगों को मालूम है, जो कम लंबा हो उसको चौड़ाई कहेंगे, अधिक लंबा वाला को लंबाई कहेंगे। तो मान लो ये एक्स है, इसका चौड़ाई आमने सामने की भुजा बराबर होती है आयत में, तो ये भी एक्स होगा, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री, तो ये भी बना देना है कम से कम तीन कोण 90 डिग्री, चौथा 90 होगा ही, समझा, ये एक्स मीटर है तो ये भी एक्स मीटर होगा, अगर ये वाई मीटर है तो ये भी वाई मीटर होगा। तो इस आयत ए बी सी डी की परिमिति, इसीलिए आयत ए बी सी डी की परिमिति या परिमिति का दूसरा नाम परिमाप किया है, समझा ना, या परिमाप बराबर ए बी जोड़ बी सी, चारों भुजा के योग होगा ना, जोड़ सी डी जोड़ डी ए, आयत की परिमिति बराबर आयत के चारों भुजा का योग, किसी भी चतुर्भुज की परिमिति बराबर उस चतुर्भुज के चारों भुजा का योग, किसी भी त्रिभुज की परिमिति या परिमाप बराबर उस त्रिभुज के तीनों भुजा का योग, दस भुज की परिमिति बराबर दस भुज के दसों भुजा का योग, तो आयत एक चतुर्भुज है तो आयत की परिमिति बराबर आयत के चारों भुजा का योग होगा। मान लो ए बी सी डी कोई आयत है, तो आयत में तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, ये वाई होगा तो ये भी वाई होगा,
तो चारों भुजा को जोड़ेंगे यानी ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी डी जोड़ डी ए ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी डी जोड़ ए बी कितना है एक्स है बी सी वाई सी डी एक्स डी ए वाई एक्स जोड़ एक्स हो गया प्लस वाई जोड़ वाई बराबर टू एक्स प्लस टू वाई जो कॉमन है एक्स प्लस वाई दो एक्स क्या है चौराई जोर वाई क्या है लंबाई आयत की परिमिति कितना निकला दो गुने चौराई जोर लंबाई को या लंबाई जोर चौराई फार्मूला हो गया इसको समझ गया ना तो आयत का क्षेत्रफल और परिमिति हो गया पार्ट 32 में इसके आगे तुम लोगों को वर्ग है नेक्स्ट टॉपिक में ये सब बतला देने के बाद एक एक टॉपिक पर हिसाब अलग से होगा समझा उसको उतार लो और नेक्स्ट टॉपिक में वर्ग के बारे में बताएंगे।